हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस का चैप्टर सेविंग आवर रिसोर्सेज, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है रिसोर्सेज। Soil, water and forest are known as resources. These are our natural resources as we get these from the environment. They provide us with many useful things. तो जो soil, water और forest होता है इन सबको ही resources बोलते हैं और इसको natural resources भी कहा जाता है क्योंकि ये सब हमें प्रकृति से मिला है, nature से मिला है, environment से मिला है, इसलिए इसे natural resources भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग बहुत सारे useful चीज़ों को भी लेते हैं। सेकेंड आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो है वो मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार बना सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार नहीं बना सकते, उसे बनने में बहुत बहुत मिलियनों साल लगता है। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको सनलाइट दिख रहा है, विंड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, फॉरेस्ट दिख रहा है और सॉइल दिख रहा है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज रिपीटेडली बिकॉज दीज आर रिप्लेनिश्ड इन द एनवायरमेंट ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। दे आर इन नो डेंजर ऑफ बींग यूज्ड अप। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन दे आर यूज्ड एंड कैन बी रिसाइकल्ड। सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचर में तुरंत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये दोबारा बन जाते हैं और इसमें कोई डेंजर नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, इसे फिर कैसे लाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे समय में ही तुरंत बन जाता है। इसे हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि ये बार बार रिसाइकल होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, जिनके अभी हम लोगों ने पिक्चर देखा था, वो सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज रिपीटेडली बिकॉज दीज आर नॉट रिप्लेनिश्ड इन द एनवायरमेंट ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। दीज रिसोर्सेज कैन टेक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। वी यूजुअली यूज देम फास्टर देन दे कैन फॉर्म। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिसे हम लोग बार बार नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये एनवायरमेंट में तुरंत नहीं बनता जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज बनता है। इसे बनने में बहुत करोड़ों मिलियनों साल लगता है बनने में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत जल्दी जल्दी यूज कर रहे हैं, उनके बनने से पहले ही वो खत्म हो रहे हैं। दीज रिसोर्सेज लास्ट ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये कुछ समय के लिए ही रहते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसे याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें सबसे पहला पिक्चर है कोल का, जिसे हम लोग हिंदी में कोयला भी कहते हैं, और दूसरा है पेट्रोलियम का। तो नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग आवर रिसोर्सेज। तो जिस तरह से इस चैप्टर का नाम है सेविंग आवर रिसोर्सेज, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए। Human beings are completely dependent on natural resources. These resources are getting used up faster because of the following reasons. तो इंसान जो है वो totally dependent है natural resources पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये जो resources है वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं, उनके कुछ वजह हैं। जैसे कि पहला है increasing population। जैसे जैसे population बढ़ रहा है ये जो resources है वो ज़्यादा use हो रहे हैं। दूसरा है डेवलपिंग टाउन्स एंड सिटीज। बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज भी डेवलप हो रहे हैं जिनमें बहुत सारा रिसोर्सेज यूज हो रहा है। दीज रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व्ड बिफोर दे आर ऑल यूज्ड अप। लेट अस नो अबाउट हाउ कैन वी कंजर्व आवर रिसोर्सेज। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, इसलिए अब इन्हें बचाने की जरूरत है। तो चलिए कुछ जानते हैं कि कैसे हम लोग इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला आता है एयर। एयर जो है बहुत जरूरी होता है ब्रीद करने के लिए, सांस लेने के लिए, तो उसे भी साफ रखना जरूरी है। सो एयर इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स टू ब्रीद। तो सांस लेने के लिए एयर बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग कुछ तरीके के बारे में जानेंगे जिससे कि हम लोग एयर को क्लीन रख सके।
पहला है प्लांट मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए मोर ट्रीज लगाना चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा है अवॉइड मोटर व्हीकल्स एंड वॉक और साइकिल एज मच एज पॉसिबल। तो जो मोटर व्हीकल्स होता है, बाइक होता है, उनमें से जो स्मोक निकलता है वो सब एयर को बहुत पल्यूट करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा चलना चाहिए और साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है वाटर। जिस तरह से एयर बहुत जरूरी है, उसी तरह से जीने के लिए वाटर भी बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ तरीकों के बारे में पढ़ते हैं जिससे कि वाटर को साफ रखा जाए। पहला है नेवर थ्रो गार्बेज इनटू वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होते हैं जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। दूसरा, डू नॉट वेस्ट वाटर। और ज्यादा से ज्यादा हमें वाटर को बचाना चाहिए, जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ब्रश करते समय टैप को खुला रखते हैं, नल को खुला रखते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वाटर की बर्बादी। तो वाटर को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कलेक्ट रेन वाटर। जब भी बारिश होता है तो हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए। आप लोग हायर क्लासेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़िएगा, तो उस तरह से हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉइल। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, दस वी शुड कंजर्व सॉइल। सम वेज टू कंजर्व सॉइल आर एज फॉलोज। तो जो सॉइल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि इसे बनने में बहुत 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 साल लगते हैं, इसलिए अब सॉइल को बचाने की जरूरत है। तो सम वेज टू कंजर्व सॉइल आर एज फॉलोज। पहला है नेवर थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड। हमें ग्राउंड में कभी भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज एज इट कैन प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट होता है, ये सॉइल को पकड़ के रखता है ताकि जो सॉइल है वो इरोड होने से बच सके। मेक पिट्स ऑन द ग्राउंड एंड पुट ऑल द वेस्ट सच एज वेजिटेबल पील्स एंड ड्राइड लीव्स इन देम, दिस इनरिचेस द सॉइल। तो जो ग्राउंड होता है उसमें हम लोग गड्ढा बना के जो किचन का वेस्ट होता है, जैसे कि सब्जियों का छिलका होता है या फिर सूखे पत्ते होते हैं, ये सब हमें उस गड्ढे में डालना चाहिए, क्योंकि इससे सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट गिव अस अ लॉट ऑफ थिंग्स सच एज वुड, रबर, मेडिसिन, पेपर। ट्रीज ऑल्सो हेल्प प्योरीफाई द एयर एज दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, दस वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, इनमें से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ी मिलता है, रबड़ मिलता है, दवाई मिलता है, पेपर मिलता है जिसमें हम लोग लिखते हैं, वो पेपर कहाँ से आता है, फॉरेस्ट से आता है। और ट्रीज जो है ये एयर को प्योरीफाई भी करता है, क्योंकि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसे एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन बाहर देता है, तो इससे एयर भी प्योरीफाई होता है, इसलिए हमें फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना चाहिए। So, some ways to conserve forest are as follows. पहला है प्लांट मोर ट्रीज। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेड़ होंगे तो अच्छा फॉरेस्ट होगा, और अच्छा फॉरेस्ट होगा तो हमें और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, एयर अच्छे से प्यूरिफाई होगा। डिफॉरेस्टेशन शुड बी बैन। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि जब हम लोग पेड़ को बहुत ज्यादा काट रहे हैं अपने यूज के लिए, तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन को बैन कर देना चाहिए। यूज लेस पेपर एज पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। हमें पेपर जो है उसे कम यूज करना चाहिए, ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो यूज पेपर है उसे रिसाइकल करना चाहिए, ताकि जो ट्रीज है उसे ज्यादा ना काटा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है सेविंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी तक हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बचाने के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बचाने के बारे में। पहला है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आता है? कोयला आता है, ऑयल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है। इन सब से हमें एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ तरीके हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। पहला है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं। तो उसी तरह से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है, ये भी हमें एनर्जी ही देते हैं, और ये सब रिन्यूएबल होते हैं। और अगर हम लोग इन सब का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें फॉसिल फ्यूल्स की कम जरूरत पड़ेगी, जिससे कि फॉसिल फ्यूल बच सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है द थ्री आर्स। थ्री आर्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। इसे कहते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो सबसे सिंपलेस्ट और इफेक्टिव वे है रिसोर्सेज को बचाने का, जिसे हम लोग कहते हैं थ्री आर्स। थ्री आर्स की मदद से हम लोग रिसोर्सेज को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। थ्री आर्स में आता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये सब क्या होते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे।
पहला आता है रिड्यूस। रिड्यूसिंग इज सिंपली क्रिएटिंग लेस वेस्ट। इट इज ऑल्सो द बेस्ट मेथड फॉर कीपिंग आवर अर्थ क्लीन। फॉर एग्जाम्पल वी शुड यूज लेस रिसोर्सेज। तो रिड्यूसिंग को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि कम कचरा को क्रिएट करना, और ये सबसे अच्छा मेथड है जिससे कि हम लोग अपने अर्थ को, धरती को साफ रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कम से कम रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए। सम वेज टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज बाय कार्स आर कार पूलिंग विथ फ्रेंड्स, वॉकिंग, टेकिंग द बस और राइडिंग योर बाइक इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। तो जो कार से डैमेज जो होता है एनवायरमेंट को, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्रेंड्स के साथ कार पूलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, पब्लिक बसेस यूज कर सकते हैं, या फिर अपने साइकिल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। ड्राइव करने से अच्छा हम लोग ये सब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो डैमेज है वो थोड़ा कम होगा। दूसरा, सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स दैट यू आर नॉट यूजिंग। कहीं कहीं घर में आप लोगों ने देखा होगा कि घर में जब बहुत लोग रहते हैं तो हम लोग लाइट, पंखा सब ऑन करते हैं, लेकिन जब उस रूम में कोई ना हो तो हमें हमेशा लाइट को ऑफ कर देना चाहिए, पंखों को ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एनर्जी बच सकेगा। यू कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी वेस्ट जो है उसे रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो कि हम लोग खरीदते हैं पेपर वर्जन में, उसको पढ़ते हैं, उससे क्या होता है कि पेपर का इस्तेमाल होता है, और पेपर कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है, और ट्रीज कहाँ से कटते हैं? फॉरेस्ट से कटते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत डैमेज होता है। तो अभी जो है कंप्यूटर में, इंटरनेट पे बहुत सारे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स ऑनलाइन मिलते हैं, हम लोग उसे वहां से पढ़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट पेपर वर्जन्स। सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रश करते समय बहुत कोई नल को खुला रखते हैं, तो नल को हमेशा उस समय बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या हो कि वाटर की बचत होगी। नेक्स्ट आता है रीयूज। रीयूजिंग इज फाइंडिंग अ न्यू यूज फॉर द ओल्ड आइटम्स दैट यू माइट कंसिडर थ्रोइंग अवे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो पास ऑन योर ओल्ड टेक्स्ट बुक टू योर जूनियर्स। रीयूजिंग मतलब होता है कि जो पुरानी चीज़ें उसे हम लोग दोबारा यूज करें किसी और तरीके में। जैसे कि हम लोग अपने जो टेक्स्ट बुक हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, बुक्स इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग अपने जूनियर्स को दे सकते हैं, जिससे कि वो लोग उससे पढ़ सके, इंस्टेड ऑफ बाइंग कि वो लोग अगर नया नया बुक लेंगे तो क्या होगा कि नए नए बुक्स छपने लगेंगे, पेपर का इस्तेमाल होगा। उससे बढ़िया है कि हम लोग जूनियर्स को अपने बुक्स दे देते हैं, जिससे कि वो लोग पढ़ लेंगे, और इससे रीयूज भी हो जाएगा। एक और बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो हम लोग जैम का डिब्बा लाते हैं, जो बहुत अच्छा सा कांच का डिब्बा होता है, वो जब खत्म हो जाए तो उसमें हम लोग कुछ और रखने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे ही रीयूज कहते हैं। कैरी क्लोथ सैक्स टू द स्टोर विथ यू इंस्टेड ऑफ टेकिंग होम न्यू पेपर और प्लास्टिक बैग्स। यू कैन यूज दीज सैक्स अगेन एंड अगेन, यू विल बी सेविंग सम ट्रीज। तो हम लोग जो कपड़ा का जो थैला होता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड, जो हम लोग जाते हैं मॉल्स में, कहीं भी जाते हैं तो क्या होता है कि हमें वहां से पेपर बैग्स मिलते हैं, हैंड बैग्स मिलते हैं, प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं, वो सब उसमें डाल के देते हैं। तो क्या होता है उसे कि ज्यादा से ज्यादा पेपर यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है, और बहुत ही डैमेज होता है। इससे बढ़िया है कि हम लोग कपड़ा का थैला लेके जाए या झोला लेके जाए, उसमें अगर सामान लाएंगे तो क्या होगा कि ये जो सैक्स है, झोला, इसे हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग इसे सब्जी बाजार भी ले सकते हैं, दुकान भी ले जा सकते हैं, तो इससे बहुत सारे ट्रीज भी बच जाएंगे। प्लास्टिक कंटेनर्स एंड रीयूजेबल लंच बैग्स आर ग्रेट वेज टू टेक योर लंच टू स्कूल विदाउट क्रिएटिंग वेस्ट। तो जो प्लास्टिक कंटेनर्स होता है या फिर जो लंच बैग्स होते हैं जिसे हम लोग रीयूज कर सकते हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वेस्ट कम होगा। जैसा कि मैंने अभी जैम का जो जार का एग्जाम्पल दिया था, वो भी इसी तरह है कि एक बार जैम खत्म हो गया तो उसे अच्छे से धो के, साफ करके, उसमें और सामान रख के क्या होगा, इसे रीयूज कर सकते हैं। दूसरा है, कॉफी कैंस, शू बॉक्सेस, मार्गरीन कंटेनर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेनर्स पीपल थ्रो अवे कैन बी यूज्ड टू स्टोर थिंग्स एंड कैन बिकम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रोजेक्ट, यूज योर इमेजिनेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया है कि जो कॉफी कैंस होते हैं या फिर बॉक्स होता है, मार्गरीन कंटेनर्स होते हैं, जो कि आमतौर पर इंसान फेंक देते हैं, इसे हम लोग फन की तरह कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आजकल यूट्यूब पे आपने बहुत सारे देखे हो कि बहुत पुराने पुराने सामान से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वो सबको इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइकल। रिसाइकलिंग इज चेंजिंग ओल्ड प्रोडक्ट्स इनटू न्यू वन सो दे कैन बी रीसोल्ड। रिसाइकलिंग मतलब ये होता है कि जो पुराने प्रोडक्ट्स है उसे हम लोग दोबारा से नया बना रहे ताकि उसे फिर से बेचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उसे हम लोग रिसाइकल करके न्यू पेपर बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ कटिंग द ट्रीज। हम लोग पेड़ को काटने से अच्छा है कि इसे रिसाइकल ही कर दे, पुराने जो न्यूज़पेपर है उसे दोबारा हम लोग रिसाइकल करके नया बना लें।
तो इससे क्या होगा कि जो वेस्टेज है वो कम होगा। यू कैन हेल्प द एनवायरमेंट बाय बाइंग प्रोडक्ट्स दैट कंटेन रिसाइकल्ड मटेरियल्स। मेनी ब्रांड्स ऑफ पेपर टॉवल्स, गार्बेज बैग्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड टॉयलेट पेपर टू नेम अ फ्यू एग्जाम्पल विल टेल यू ऑन देयर लेबल्स इफ दे आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल्स। तो हम लोग एनवायरमेंट की मदद कर सकते हैं उन सब प्रोडक्ट्स को खरीदने पे जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं पेपर टॉवल्स के, गार्बेज बैग्स के, ग्रीटिंग कार्ड्स के और टॉयलेट पेपर्स के जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग एनवायरमेंट की मदद कर सकेंगे, उसमें डैमेज होने से बचा सकेंगे और इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें बच सकेंगी, हमारे रिसोर्सेज बच सकेंगे, फॉरेस्ट बच सकेगा, सब चीज अच्छा होने लगेगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें पहला है टॉयलेट पेपर और दूसरा है ग्रीटिंग कार्ड्स जो कि रिसाइकल मटेरियल से बना है। सो लेट्स रिकॉल। तो ये था पूरा चैप्टर। अब हम लोग रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा अभी तक। पहला, सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सनलाइट, एयर, वाटर, फॉरेस्ट और सॉइल क्या है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, ऑयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज नीड टू बी कंजर्व बिफोर दे आर ऑल यूज्ड अप। तो रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना होगा इससे पहले कि वो पूरी तरह खत्म हो जाए। इन चैप्टर में कुछ टर्म्स थे जिसे हम लोग याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड रिपीटेडली बिकॉज दीज आर रिप्लेस्ड नेचुरली। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड रिपीटेडली बिकॉज दीज आर नॉट रिप्लेस्ड नेचुरली। तो ये था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको इसी तरह और भी किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी दूसरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, सब्सक्राइब प्लीज।